सर, मैंने सुना है कि आप इलेक्ट्रिक ट्रक है, बस है, और आपका जो मैजिक वगैरह उसको आप लोग जो स्क्रैप होने वाले होते हैं उसको आप इलेक्ट्रिक में चेंज कर देते हो। हाँ जी, अगर आपकी कोई भी गाड़ी है जो जिसकी लाइक एक्सपायर होने वाली है, उस गाड़ी को हमें दीजिए, हम उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि हम उसमें से इंजन निकाल देंगे और जितने भी मैकेनिकल ड्रिवन चीजें होती है उनको इलेक्ट्रिकल ड्रिवन कर देंगे। माइलेज की बात करें तो वो 3 रुपए प्रति किलोमीटर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये डीजल वाला व्हीकल था जिसको हमने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे इसका इंजन रहता है, जो हमने इंजन यहाँ से रिमूव कर दिया है और यहाँ पे हमने अपना पावर ट्रेन सिस्टम लगा दिया है। ये हमारा ट्रैक्शन कूलिंग सिस्टम है जो कि मोटर और कंट्रोलर को ठंडा करने के लिए, और ये कंट्रोलर हो गया, ये मोटर है और ये डीसी-डीसी है पीछे तक। वो पूरा बैटरी है इसका? जी, ये बैटरी यहाँ से लेके पीछे तक, ये 53 किलोवाट का बैटरी है। लिथियम आयन LFP 100 किलोमीटर के रेंज में चलता है, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, 10 साल की लाइफ है बैटरी की। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम सर आपका? गगन। गगन सर, ओके। सो गगन सर, मैंने सुना है कि आप जो ट्रक है, बस है, और आपका जो मैजिक वगैरह उसको आप लोग जो स्क्रैप होने वाले होते हैं उसको आप इलेक्ट्रिक में चेंज कर देते हो। हाँ जी। तो ये किस तरीके से हो पाता है सर? हमारे कई व्यूअर्स हैं जिनके पास ट्रक है और बसेस वगैरह हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में पहले 15 साल था, अब शायद वो थोड़ा कम हो गया। तो उनको इसके बाद ना जो ट्रक हैं और बसेस हैं इसको ना स्क्रैप करवाना पड़ता था। तो सर उनको इन सब चीज़ों से बचाने के लिए किस तरीके से वो उसको इलेक्ट्रिक में ला के उसकी जो लाइफ है और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो बताइए सर कैसे? देखिए, क्या है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर काफ़ी जोर दे रही है कि अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है जो आपका जैसे डीजल का 10 साल का 10 ईयर का लाइफ है और पेट्रोल का 15 ईयर का, पेट्रोल CNG का, तो अगर आपकी कोई भी गाड़ी है जो जिसकी लाइक एक्सपायर होने वाली है, तो हमारा मोटो ये रहता है कि आप उस गाड़ी को हमें दीजिए, हम उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि हम उसमें से इंजन निकाल देंगे और जितने भी मैकेनिकल ड्रिवन चीज़ें होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल ड्रिवन कर देंगे। और इसके अंदर हमारा पावर ट्रेन रहता है, बैटरी पैक रहता है, मोटर कंट्रोलर है, BMS है, मतलब एवरीथिंग वो सब रहेगा उसके अंदर, और उससे वो आपकी गाड़ी जो है प्योर इलेक्ट्रिक हो जाएगी, फुल इलेक्ट्रिक। हाँ, सो बेसिकली हमारी कंपनी का नाम है IX एनर्जी। हम लोग रेट्रोफिट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपकी जो ड्राइविंग कॉस्ट है, मतलब माइलेज की बात करें तो वो 3 रुपए प्रति किलोमीटर हो जाएगी, जो कि आजकल ट्रकों की 10 रुपए 15 रुपए रहती है प्रति किलोमीटर, उससे भी शायद ज्यादा हो जाती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली। सो आप देख सकते हैं कि ये डीजल वाला व्हीकल था जिसको हमने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे इसका इंजन रहता है, जो हमने इंजन यहाँ से रिमूव कर दिया है और यहाँ पे हमने अपना पावर ट्रेन सिस्टम लगा दिया है। ये हमारा ट्रैक्शन कूलिंग सिस्टम है जो कि मोटर और कंट्रोलर को ठंडा करने के लिए, ठीक है, और ये कंट्रोलर हो गया, ये मोटर है और ये DC-DC है। ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बैटरी को चार्ज करता है, LV बैटरी को, जो इसमें ऑक्सिलरी सब चलते हैं। बैटरी वगैरह कहाँ है बैटरी इसका? और बैटरी जो है इसके चेसी के बीच में हमने लगा रखा है, इसके हिसाब से इसका? जी, एकदम यहाँ से लेके पीछे तक, पीछे तक वो पूरा बैटरी है इसका? जी, ये बैटरी यहाँ से लेके पीछे तक। तो ये कितने मतलब MH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितने पावर? ये 53 किलोवाट का बैटरी है। 53 किलोवाट का, ओके। तो बैटरी किस चीज का लेने वाला? लिथियम और इन सब में अगर काउंट करें किस चीज? ये लिथियम आयन है और LFP। लिथियम आयन LFP, राइट, ओके। सो सर, इसको चार्ज करने पर हमारा ट्रक जो है तो कितने किलोमीटर तक चल सकता है, एक वन सिंगल चार्ज? 3 टन, अगर 3 टन का लोड में अगर चलेगा, हाँ, तो 100 किलोमीटर का रेंज में चल पाएगा। 100 किलोमीटर के रेंज में चल पाएगा, ठीक है। चार्जिंग टाइमिंग अगर फास्ट चार्जिंग है इसमें, हाँ, एक घंटे में हो जाएगा। 60 किलोवाट चार्ज कर देगा? नहीं, 60 किलोवाट का जो चार्जर है, जो फास्ट चार्जिंग का होता है, वो एक घंटे में कर देगा चार्ज। एक घंटे में चार्ज कर देगा। क्या होता है चार्जिंग की ना कुछ केमिस्ट्रीज होती है, लाइक 1C रेटिंग, 2C रेटिंग। तो हमने जो इसमें केमिस्ट्री दी है 1C रेटिंग केमिस्ट्री दी है, जिसके अंदर जितने किलोवाट आवर का आपका बैटरी पैक है, अगर उतने किलोवाट का चार्जर से आप चार्ज करेंगे इसको, तो इट विल टेक 1 आवर टू गेट फुल चार्ज। तो अगर 60 किलोवाट के चार्जर चार्ज करेंगे तो 1 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा, 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। 30 किलोवाट से चार्ज करेंगे तो 2 घंटे लेगा, 120 से करेंगे तो इस तरीके। सर अगर मैं एक ड्राइवर की बात करूं, सो अगर एक ड्राइवर है नॉर्मल, तो वो इस तरीके से अगर उसको चेंज कराता है तो कितना पैसा मतलब महीने में बचा सकता है, अकॉर्डिंग टू अगर हम डीजल से कंपेयर करें इलेक्ट्रॉनिक पे आते हैं तो कितना पैसा तक बचा सकता है, कोई आइडिया एक महीने का? सर मोटा मोटा गणित है इसका कि लाइक 15 रुपए का उसका पर किलोमीटर का माइलेज था, मैं आपको एक दिन के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है,
और अभी हम उसका उस कॉस्ट को ले आके अगर सपोज मैं 3 रुपए आपको बता रहा हूँ तो 12 रुपए उसको बच रहे हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे 12 रुपए बच रहे हैं। और अगर वो 1.5 लाख किलोमीटर चला लेता है इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितने ज्यादा ह्यूज सेविंग्स हैं इसके अंदर। और आरओआई की बात करें तो आरओआई भी इसका 2-3 साल के अंदर निकल जाएगा अगर इसको ढंग से। और दूसरा शायद मेरे अकॉर्डिंग सर ये है, जब पेट्रोल और डीजल का रहता है और गैस का होता है, तो उसमें कहीं इंजन ऑयल का खर्चा, कभी ये कभी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट, सो इसके साथ तो शायद वो कॉस्ट नहीं देखने को कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, कोई मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट है बस। हाँ, इसके अंदर एक बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट ऐड होगा जब बैटरी का लाइफ खत्म हो जाएगा, जब लाइफ बैटरी की जो लाइफ है वो 3500 साइकिल्स की लाइफ है। अब 3500 साइकिल्स ऐसे काउंट किए जाते हैं कि लाइक हमने बताया कि आपको सपोज 135 किलोमीटर का इसका लाइक रेंज है एक बार चार्ज करने पे। आपने इसको पूरे दिन लाइक यूज किया, कंज्यूम किया इसका बैटरी, डिग्रेड किया उसको, और फिर आपने उसको रात को चार्ज किया, देन आप नेक्स्ट डे उसको आप लाइक ड्राइव कर रहे हो 135, तो ये आपका 1 साइकिल हो गया। तो इस तरीके से 3500 लाइक 3.5 लाख किलोमीटर, तो अगर उस पैटर्न में चलेंगे आप तो 10 साल की लाइफ है बैटरी की। जो वारंटी है बैटरी का, बैटरी का वारंटी 3 साल का है। अगर सर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है बैटरी में, सो कस्टमर सर आपको आपके पास ही आएगा कस्टमर? हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स हमारे पास ही है। कि जैसे आपने बताया कि इतने साल तक की या इतने रेंज तक की ये इसकी, सपोज मैंने आपको बताया कि 1 साल की इसकी कंपोनेंट की वारंटी है पावर ट्रेन की, तो 1 साल के अंदर कुछ भी इशू आता है मोटर में कंट्रोलर में तो आप क्लेम कर सकते हैं हमारे पास आके, मतलब जितना भी, क्योंकि गाड़ी जो हम देंगे वो आपको हम देंगे। ओके सर, सो मान लीजिए कि अगर पुरानी वाली में हमें कोई प्रॉब्लम आया तो उसकी लाइफ खत्म होगी, हम आपके पास आके उसे एक्सचेंज कर रहे हैं, सो सर पुरानी देके नहीं लेती वहाँ पे थोड़ा बहुत वो दिखता है क्या? देख सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, मतलब उस तरीके से बात करना होगी। सो जब भी आपको लगता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, सो आप लोग इस कंपनी को अपने व्हीकल्स दे के आप लोग उसको और भी ज्यादा लाइफ बढ़ा सकते हो अपनी, उसको बैटरी में कन्वर्ट करा के, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स जो है वो देखने को मिलेगी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा जो हाइब्रिड है ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग से, ब्रेकिंग के थ्रू काम करता है, जिसके थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी को, जो काइनेटिक एनर्जी से जो जग पैदा होता है उससे हम बैटरी को चार्ज करते हैं। उसमें एक्सटर्नल चार्जिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, छोटा बैटरी पैक रहता है तो वो जल्दी चार्ज होता है, जल्दी डिस्चार्ज होता है। इसमें आपको 25% का फ्यूल सेव हो जाता है, 25%, ठीक है। ये दिस इज फॉर द हाइब्रिड। अगर हम बात करें उससे थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन, तो ये है PHEV, मतलब प्लग इन हाइब्रिड। इसके अंदर हम आपको छोटा सा मतलब एक ऑप्शन देते हैं, इसमें आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इंटरनली चार्ज कर सकते हैं। उसके अंदर आपका माइल है, मतलब जो माइलेज है वो 35% इसमें लिखा है, बट जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो 50% तक भी आपका एनहेंस हो सकता है, मतलब 100 लीटर जहाँ फ्यूल लग रहा होगा वहाँ 50 लीटर फ्यूल लगेगा इसमें। एंड दिस इज मतलब ये तो प्योर इलेक्ट्रिक है, फुल इलेक्ट्रिक, ये फुल इलेक्ट्रिक, दिस इज अ फ्यूल इलेक्ट्रिक।